चलो तुम्हारा डाउट शुरू करते हैं, ठीक है? जो परपिटेशन कॉम्बिनेशन का था, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर उल्टा से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? 20 देखो, 20 में क्या करना है, हाउ मैनी नंबर्स कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ 0, 1, 2, 3, 4, 5, और 3000 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहला तो नंबर मेरे पास क्या क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, और नंबर कैसा चाहिए हमको, ग्रेटर देन 3000, ठीक है? तो इसके लिए क्या करें, तो तुमको सबसे पहले पता है इसमें बोला नहीं है कि कितना डिजिट का नंबर है, वो सिंपली बात बोल रहा है कि 3000 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? 4 डिजिट का या 5 डिजिट का ऐसा कुछ नहीं बताया। तो 3000 से जितना भी बड़ा नंबर बन सकता है इन सबको यूज़ करके वो हम पहले करेंगे। तो सबसे पहले 3000 से बड़ा कौन होगा, सबसे पहले तो 3000 वाले पार्ट को देखो। तो 3000 से बड़ा के लिए अगर यहाँ पे हम 3 फिक्स कर दें, ठीक है, तो इसको भरने का एक तरीका और इन सबको भरने का 5, इसको 4 और इसको 3, और यहाँ रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसलिए 5 × 4 × 3, ये तो सारे 3 से बनने वाले नंबर हो गए। अब क्या होगा, 4 से बनने वाले नंबर, तो यहाँ पे 4 फिक्स हो गया, इसको भरने का एक तरीका फिर से इंटू से 5 × 4 × 3, फिर उसी तरह 5 से बनने वाले, यहाँ 5 फिक्स कर दो, इसको भरने का एक तरीका, फिर यहाँ पे भी 5 तरीका 4 तरीका 3 तरीका, ठीक है? और तो कोई नंबर होगा नहीं जो 3000 से बड़ा हो जिसका स्टार्टिंग, क्योंकि इसके बाद नंबर कौन कौन सा है, 0, 1 एंड 2, ठीक है? तो 0 को रख नहीं सकते, 1 को रख नहीं सकते, 2 को रख नहीं सकते, और 3 के बाद यहाँ कोई भी नंबर डालो तो ये 3000 से तो बड़ा ही होगा, और 4 के बाद भी बड़ा ही होना है, 5 के बाद भी बड़ा ही होना है, ठीक है? अब यहाँ देखो, ये तो नहीं बोला था ना कि 4 डिजिट का ही नंबर होना चाहिए, ये बोला 3000 से सारे बड़े नंबर बताओ। तो अब क्या करेंगे हम लोग, 5 डिजिट वाले भी लेंगे, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? तो इस जगह हम कुछ भी डालें 0 के अलावा, इस जगह पे हम 0 के अलावा कुछ भी डालें तो 5 डिजिट का नंबर रहेगा। तो मान लो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे 1 डालें, ठीक है, यहाँ पे 1 डालें, तो ऐसे भी 3000 से बड़ा ही होगा, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं वापस से, टोटल नंबर मेरे पास कितना है, 6, तो एक यहाँ यूज़ कर लिए, तो वापस से यहाँ पे मेरे पास 5 बचे, तो 5ों में से कोई भी यूज़ कर ही सकते हैं, 0 भी आ ही सकता है इसमें, तो 5 × 4 × 3 × 2, ठीक है? फिर उसी तरह यहाँ 2 एक बार रखेंगे, तो इसको भरने का एक तरीका फिर 5 × 4 × 3 × 2, फिर यहाँ पे इसी तरह 5 डिजिट का बनेगा, यहाँ 3 होगा, फिर एक और आएगा जिसमें 4 होगा, फिर एक और आएगा जिसमें 5 होगा, 0 तो होगा नहीं, तो इस तरह के कितने हो गए, 5, मतलब फिर भी सब ये सिर्फ सब में सेम ही रहेगा, 5, 4, 3, 2, इसमें भी 5, 4, 3, 2, इसमें भी 5, 4, 3, 2, तो ये कितना हो गया, 5 बार हो गया, तो 5 × 5 × 4 × 3 × 2, ये कितना हो रहा है, अच्छा पहले इसको कर लेते हैं, ये कितना था, 5 × 4 × 3, 20 × 60, 60, और कितनी बार है ये भी सेम है, ये भी 60 है, तो 3 बार है, तो ये 180, ये कितना हो गया, 120 × 5, क्योंकि ये 5 बार है, क्योंकि सेम ही चीज़ 5 बार है, तो 120 × 5, तो कितना हो गया, 12 × 5 = 60, 600, ठीक है? अब तो ये 5 डिजिट का अभी तक नंबर बना, अब कितने डिजिट वाला बना ले, 6 डिजिट वाला भी, क्योंकि यहाँ 6 डिजिट है तो 6 डिजिट का नंबर बन सकता है, ठीक है? तो एक देखो, बाकी फिर सब वैसे ही रिपीट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं 6 डिजिट वाला, 6 डिजिट वाला नंबर के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट हो गया। तो सबसे पहले यहाँ क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, और यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1, इन सबको भरने को उतना तरीका, फिर अब पहले वाले में 2 जाएगा, 0 नहीं जाएगा, 0 के अलावा सब सारे नंबर जाएंगे, 0 के अलावा 6 डिजिट के नंबर बनाने के लिए, तो उसी तरह फिर यहाँ पे भी वही होगा,
एक तरीका है इसको, अब बाकी पाँच को भरने का तरीके 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ पे भी 3 आएगा, फिर उसी तरह 4 आएगा, फिर ठीक उसी तरह 5 भी आएगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो सबको पहले भरने का एक ही तरीका और बाकी 5 को भरने का 5 तरीका है, मतलब ये भी 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल, ये भी 5 फैक्टोरियल, तो कितना हो गया ऐसा, 1 2 3 4 5, तो ये भी कितना हो गया 5 × 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 120 × 5, 120 ही होता है ना, 120 × 5, ये भी कितना हो गया 600। तो टोटल कितना हो गया, 600 + 180 + 600, 6 6 12, 12 1 13, टोटल कितना हो गया 1380 नंबर होंगे जो 3000 से बड़े होंगे, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 19 को देखो क्या लिखा हुआ है। इन ए मंथली टेस्ट टीचर डिसाइडेड दैट देयर विल बी 3 क्वेश्चन, ठीक है, और वन फ्रॉम ईच, अच्छा हर एक एक्सरसाइज से एक एक क्वेश्चन उठाएगा, और यहाँ पे है कि 7 में है 12 क्वेश्चन, 8 में 18 क्वेश्चन, अच्छा 9 में कितना क्वेश्चन है मुझे देख के बता देना, ठीक है, या उसको इसी में लिख लेना। अच्छा 9 में कितने क्वेश्चन है वो तो यहाँ दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं वो कर लेते हैं। देखो इसको टोटल कितना क्वेश्चन बनाना है, 3 क्वेश्चन बनाना है, और हर एक चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाएगा, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाएगा। तो देखो पहले वाले चैप्टर में कितना क्वेश्चन है, 12, तो 12 में से 1 सेलेक्ट करेगा, क्योंकि इसको 3 क्वेश्चन बनाना है और हर एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन उठाना है। तो सबसे पहले तो चैप्टर 7 में से 1 क्वेश्चन उठाया जिसमें 12 में से 1 लिया, वो इनटू इसलिए क्योंकि अभी तक एक ही क्वेश्चन हुआ है, 3 क्वेश्चन बनाने हैं टोटल, ठीक है। तो फिर 18 या 8वें चैप्टर में, तो 18 में भी 1 सेलेक्ट करेगा, 18C1, ठीक है। और 9 में जितना क्वेश्चन होगा ना उससे भी 1 क्वेश्चन सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ 9 में जो भी कुछ होगा तो यहाँ पे एन के जगह वो नंबर डाल देना जितना भी क्वेश्चन में से उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, 12C1 12, ये 18, और यहाँ पे जो भी एन होगा जितना नंबर में से सिलेक्ट करना है इसको मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो सबसे पहला बात क्या है, इसको 3 क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो एक ही साथ बनेगा ना, अलग अलग नहीं, एक ही क्वेश्चन 3 बना रहा है, और ऊपर से क्या है कि 3 क्वेश्चन बनाने के साथ साथ ये हर एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन उठा रहा है, तो 3 चैप्टर है और एक एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से उठाना है। तो पहले में 12 था तो 12 में से 1 सेलेक्ट किए, दूसरे में 18 था तो 18 में से 1 सेलेक्ट किए, और तीसरे में दिख नहीं रहा कितना है तो जितना भी होगा उसमें से 1 सेलेक्ट करेंगे, 3 क्वेश्चन भी सिलेक्ट हो गया और सब में से एक एक भी उठा लिए, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देना तुम्हारा आंसर आ जाएगा। 18 नंबर क्या लिखा हुआ, देखो एक कॉलेज ऑफर 7 कोर्सेस इन द मॉर्निंग एंड 5 इन द इवनिंग, द नंबर ऑफ वेज अ स्टूडेंट कैन सिलेक्ट एग्जैक्टली 1 कोर्स आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, या तो मॉर्निंग में सेलेक्ट कर ले या फिर इवनिंग में सेलेक्ट कर ले, ठीक है। तो अब यहाँ पे करें क्या, 7 कोर्स है, ठीक है, या तो तुम मॉर्निंग में सेलेक्ट कर सकते हो या फिर इवनिंग में सेलेक्ट कर सकते हो, तो मतलब जहाँ भी सिलेक्ट करोगे वहाँ पे एक ही बार में तुम सिलेक्ट करना है, मतलब एक ही बार तुम सिलेक्ट कर सकते हो। अगर मान लो तुम 7, मतलब अगर मॉर्निंग में जाते हो तो 7 कोर्स है, मान लो 7 में से तुम 1 सिलेक्ट कर लिए, ठीक है, तो फिर तुम इवनिंग में सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो मॉर्निंग में सिलेक्ट करने का तरीका कितना हो गया, 7C1, और इवनिंग में या इनटू होगा या प्लस, ये मुझे सोचना, इनटू होगा या प्लस होगा, इनटू नहीं होगा क्योंकि हम इसके बाद ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है, या तो ये कर सकते हैं या तो वो कर सकते हैं, इसी की वजह से यहाँ प्लस आएगा, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और रात में कितना है, शाम में 5C1, मतलब वहाँ पे भी 1 सेलेक्ट कर सकते हैं, तो 7C1 कितना होता है, NC1 N होता है और 5C1 5 होता है, तो ये कितना हो गया, 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स एंड 7 बॉयज कैन बी अरेंज सच दैट नो 2 बॉयज नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब यहाँ पर लड़का लड़की को अलग किया जा रहा है, कितने दुख की बात है।
ठीक है, क्या करना है, क्या है इसमें ऐसा बैठाना है कि कोई भी दो साथ में नहीं हो। तो सबसे पहले तो सबको कितना बॉयज है, सात सात है ना, 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, दुख की बात नहीं है, यहाँ लड़का लड़का को साथ में नहीं बैठना और लड़की लड़की को साथ में नहीं बैठना, मतलब ठीक बात, सही बात है, चलो अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो क्या किया हम, पहले या तो सारे बॉयज़ को बिठा दो या सारे गर्ल्स को बिठा दो। ठीक है, बॉयज़ को बिठा दिए इन सात जगह पे, तो बीच में कितना जगह खाली बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर सात को बिठाएं तो मेरे पास आठ जगह बचता है, इन आठों जगह में से बाकी सातों को बिठा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो बॉयज़ को बिठाने का यही एक तरीका। ठीक है, तो कितने बॉयज़ है, सात बॉयज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले इन सातों को कहीं भी आपस में बिठा सकते हैं, तो इनको बिठाने का तरीका क्या हो गया, 7 फैक्टोरियल, मतलब सातों को इस वाले पोजीशन पे बिठाने का एक तरीका। ठीक है, और आपस में ये तो चेंज कर ही सकते हैं, तो उनका हो गया 7 फैक्टोरियल। ठीक उसी तरह पर यहाँ पे लड़कियों के लिए भी क्या होगा, उनको भी बिठाने का 7 तरीका, सॉरी 1 तरीका, और उनको आपस में घुमा सकते हैं हम लोग, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, पर अगर हम 7 जगह बिठाएंगे तो एक जगह हमेशा खाली रह जाएगा। ठीक है, तो वो एक तरीका होगा जिस वक्त हम इसको भर रहे होंगे, और एक तरीका वो होगा जिस वक्त हम लोग इस साइड से इसको भर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है कि एक बार हम किसी को खाली छोड़ रहे हैं, जैसे 8 जगह, तो हर बार तो सातों को बिठाने के लिए हर बार मेरे पास एक एक जगह तो होगा ही, और ऊपर से क्या, एक जगह मेरे पास बच भी जा रहा होगा, तो जब हम उस पर दोबारा बिठा रहे होंगे तो बीच में कोई एक खाली हो जा रहा होगा। ठीक है, मतलब जितने भी तरीके हैं उनमें सबके पास दो ऑप्शन तो है बैठने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल। सबसे पहले तो दूसरे वालों के पास भी 7 तरीका, ठीक है, और साथ में क्या, इंटू टू, या 2 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू टू, क्योंकि उन सब लड़कियों को जो भी बाद में आएगा उन सबको बिठाने के कितने तरीके हो जाएंगे, दो दो तरीके हो जाएंगे। ठीक है, आपस में तो चेंज करेंगे ही करेंगे, प्लस उनके पास भी बैठने के 2 जगह होंगे। ठीक है, बॉयज़ के लिए क्या था कि उनको पहले किसी साथ में बैठा दिए और वो आपस में ही चेंज कर सकते थे। ठीक है, पर लड़कियों को भी अगर उनके बीच में भी डाल देते हैं, पर उनके पास थे कितने जगह, 8 जगह, तो कहीं भी बैठेंगे तो एक बार में 7 ही जगह बैठेंगे ना, तो बाकी एक जगह जो बच रहा है उसके लिए फिर 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आता है तो और डिटेल में बता देंगे, कैसे हो रहा है तुमको लिख के या करके बता देंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू टू, जो भी होता है सॉल्व कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या है, इधर गया, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना इन विच टू एंड डू नॉट अपियर एडजेसेंटली, मतलब दो एन एक साथ तो नहीं आना चाहिए, तो सबसे पहले बनाना लिखो, क्या होता है बनाना का स्पेलिंग, एन ए एन ए, हाँ ठीक है, हमको लगा दो ए आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करें, तो सबसे पहले तो क्या करो ना, बनाना से जितने वर्ड बन सकते वो लिख लो, कितने वर्ड बनेंगे, कितना वर्ड है यहाँ पे, बी एक बार है, ए है 3 बार, एन है 2 बार। ठीक है, तो कितना वर्ड बनेगा, टोटल कितना है, 6 लेटर का वर्ड है, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन जो जो रिपीट कर रहा है उसे डिवाइड करते हैं, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल, ये हो गया कितना टोटल। अब तुमको कौन से हटाने कौन से हैं जिसमें 2 बार एन साथ में आ रहा हो, तो क्या करो ना, दोनों एन को साथ में लिख लो ऐसा, और इन दोनों को एक ही लेटर मान लो, तो बचेगा कितना, बी और ए ए ए, तो अब टोटल कितने लेटर का वर्ड हो गया, 5 लेटर का, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन, ये तो एक ही है ना, तो इसको रिपीट उपीट नहीं करना है, अपॉन कितना, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि एन ये दोनों एक ही वर्ड में एक ही लेटर में आ गया ना, इसीलिए इसको अब रिपीट वगैरह में नहीं लिखेंगे, अब टोटल 5 लेटर का वर्ड बन गया, तो 5 फैक्टोरियल और अपॉन में 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ये ए 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले केस का मतलब क्या हुआ, इसमें एन 2 बार साथ में आ रहा है, तो टोटल में से इस वाले केस को माइनस कर दें तो क्या बचेगा,
वही जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों साथ में नहीं आ रहा होगा, ये कैसे दोनों साथ में आ रहा होगा और ये टोटल है, तो टोटल में से साथ वाला माइनस कर देंगे तो बिना साथ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, कितना होगा 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 × 4 = 6 × 5 = 4। ठीक है, और 3 फैक्टोरियल और नीचे में 3 फैक्टोरियल कट गया, ये 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 1 2 × 4 ये हो गया कितना हो गया 5 × 10 = 60, ऊपर वाला आया 60 टोटल, और ये कितना आएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल और नीचे भी 3 फैक्टोरियल कट गया, ये हो गया 20, तो 60 − 20 = 40, 40 आंसर आएगा इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 8 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग 8 पॉइंट ऑन अ सर्कल, मतलब किसी सर्कल पे 8 पॉइंट है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि बता दो नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने आएंगे। ठीक है, तो 8 पॉइंट है, तो स्ट्रेट लाइन किसी कोई भी लाइन बनाने के लिए तुमको मिनिमम कितना पॉइंट चाहिए होगा, 2 पॉइंट। ठीक है, तो क्या करो, टोटल कितने पॉइंट है, 8 पॉइंट, तो 8 में से हमको 2 पॉइंट चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, 3 पॉइंट तो नहीं चाहिए ना, क्योंकि सर्कल में अगर 3 पॉइंट है तो वो लाइन में नहीं होगा, याद रखना, सर्कल में अगर 3 पॉइंट है तो वो एक ही लाइन में नहीं होगा। ठीक है, और ये भी पढ़े ना हम लोग कि सर्कल ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए होगा हम लोग को। ठीक है, पर यहाँ पे तुम सब पूछ क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन कितने, स्ट्रेट लाइन कितने, तो 8 पॉइंट से 8 पॉइंट है, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए होता है, तो 8c 2, इसको सॉल्व कर लो, 8 × 7/2 28, ये आंसर। 14 नंबर देखो क्या, इन हाउ मेनी वेज 6% टू बी सिलेक्टेड, सिलेक्ट कितना करना है, 6 आदमी सिलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें से 4 ऑफिसर, अच्छा अच्छा टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 ऑफिसर, ऑफिसर है 4 और कांस्टेबल कितना है 8। क्या लिखा, इफ़ एटलीस्ट 1 ऑफिसर इज टू बी इंक्लूडेड, अच्छा अब देखो यहाँ क्या, 6 आदमी सिलेक्ट करना है, ठीक है, उसमें से मिनिमम एक तुम्हारा ऑफिसर होना चाहिए। ठीक है, तुमको 6 आदमी सिलेक्ट करना और मिनिमम एक ऑफिसर चाहिए ही चाहिए, उससे ज़्यादा चलेगा पर मिनिमम एक चाहिए। ठीक है, तो तुमको 6 आदमी इन दोनों को मिला के सिलेक्ट करना है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं सबको पेयर बना लो। ठीक है, तो क्या बनेगा, अगर मान लो इससे हम एक सिलेक्ट करते हैं तो इससे कितना सिलेक्ट करना होगा, 5 × 1 = 6, इससे अगर 2 सिलेक्ट करते हैं तो 4 × 2 = 6, इससे अगर 3 सिलेक्ट करते हैं तो इससे भी 3 × 3 = 6, हाँ अगर इससे 4 सिलेक्ट, अगर इससे 4 सिलेक्ट करते हैं तो इससे 2 सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, 5 सिलेक्ट कर सकते हैं क्या इससे, नहीं, क्योंकि ऑफिसर 4 ही हैं। ठीक है, और ये देखो ये सब, और क्या 0 सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, 0 इससे और 6 इससे, या 6 नहीं, तो 4 6 हो गए, 0 इससे 6 इससे, ये नहीं कर सकते क्योंकि इसको मिनिमम एक ऑफिसर चाहिए और मिनिमम एक ऑफिसर इन चारों में है और किसी भी केस में एक तो आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें 0 हो रहे हैं पर इसको क्या मिनिमम एक चाहिए, तो ये वाला केस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, और ये अकेला इस साइड वाला अकेला 6 भी नहीं पूरा पाएगा, तो इसलिए ऐसा दूसरा केस ले भी नहीं सकते हैं, मतलब ये 4 केस होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे, क्या लिखेंगी, क्या लिखेगी सोचो, अच्छा हाँ तो इधर क्या लिखें, 4 में से 1 सेलेक्ट करो और 8 में से, और ये एंड वाला और है, ठीक है, एंड हिंदी वाला और था, एंड 4c1 और एंड 8c कितना 5। ठीक है, मतलब 5 × 6 सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और क्या लिखें, और अब ये इंग्लिश वाला और है, और 4c2 कर लो, या ठीक है, या फिर 2 सेलेक्ट इसमें से एंड 4 इसमें से, प्लस 4c3 इसमें से और 8c3 इसमें से, और 4c4 इसी से और 2 इससे,
इन सबको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, शायद हम सॉल्व करके रखे हैं, एक मिनट को दिखाते हैं। ये नहीं है, इतना गंदा कौन करता है। हाँ, कितना आया था, 1944। सॉल्व करके देखो, वही चीज़ है, C1 8C5 प्लस 4C2 8C4, 4C3 8C3, 4C4 8C2। तो इनको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा, एक ये आएगा, सॉरी 70 × 6 आएगा, 70 × 6 224 और 28। तो इन सबको ऐड करोगे तो ये वाला चीज़ बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना है, 1944। इसका सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 1944 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 13 नंबर देखो। इन द 13 क्रिकेट प्लेयर, 13 प्लेयर है टोटल, ठीक है, 13 में से 4 है बॉलर। पहले बता दिया कि 13 में से 4 क्या है, बॉलर है। देन हाउ मैनी वेज कैन फॉर्म अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स, जिसमें से दो एटलीस्ट 2 बॉलर होना चाहिए, मिनिमम 2 बॉलर होना ही चाहिए। ठीक है, एक से काम नहीं चलेगा। तो देखो, 13 है, उसमें से 4 बॉलर है और बाकी 9 प्लेयर, बाकी प्लेयर होंगे। ठीक है, तो इसमें भी उसी तरह का बनाना होगा तुमको पेयर, कि ये क्या बोला कि मिनिमम 2 तो चाहिए। तो कैसा कैसा पेयर बनेगा, अगर इससे हम 2 उठाएं, और टीम कितने की बनाना है, 11 आदमी की। तो अगर तुम मिनिमम 2 उठाई, एक तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि मिनिमम 2 है, तो 2 से स्टार्ट किए, तो 4 में से या तो 2 उठा लो, और इसमें से 9 × 2 = 11। ठीक है, या फिर 3 इसमें से उठा लो और इसमें से 8, या फिर 4 इस चारों का 4 ही उठा लो और इधर कर लो 7। तो क्या क्या बन गया, 4 में से 2 सेलेक्ट किए एंड 9 में से 9 सेलेक्ट किए, प्लस इधर क्या होगा, 4 में से या तो 3 सेलेक्ट कर लो एंड 9 में से 8, प्लस क्या होगा, और क्या लिखा हुआ है, किधर गया, 4 में से 4 गए और 9 में से 7 सेलेक्ट कर लो, ऐसा सबको जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। ऐड कर लेते हैं, कितना हो रहा है, एज 4C2 यानी 4 × 3/2 6 × 1, 6 हो गया, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, 6, इसको हटा दो, ये कितना होगा, 9C8, मतलब उधर से जाए तो 9C1, तो ये तो हो गया 9, ये कितना होगा, उधर से जाएंगे तो 1, उधर से 1 जाएंगे, मतलब समझ रही हो, 4 में से 3 सेलेक्ट किया तो एक रिजेक्ट कर रहा है, तो 4, प्लस सॉल्व करके देखना, यही सब आएगा, 4C4 1 हो गया, उधर से जाएंगे तो 2, 9 × 8/2 36, 36 ये भी 36 प्लस 6 कितना हो गया, 36, 72, 72 और 6 78। ठीक है, 78 इसका आंसर है। कैसे किए ये सब सॉल्यूशन पता चला, जैसे 4C3 को कैसे सॉल्व किए, तुमको एक बार बताया था तरीका, कि अगर 4C3 है तो ये होता है 4C1 के इक्वल, और यहाँ जितना लिखा रहता है हमको उतनी बार चलना रहता है और अपॉन उसका फैक्टोरियल, तो यहाँ 4C1 है, ऐसे तो ये दोनों है बराबर, तो हम क्या सोचे, 1 नज़दीक है ज़्यादा, मतलब 1 सबसे छोटा है, तो क्या किए हम, 4 से एक बार चले, तो 4 से एक बार चलेंगे तो 4 ही होगा और नीचे 1 का फैक्टोरियल, तो ये 4 हो गया। अब इसका देखो, जैसे 9C8 था, 9C8, तो उधर से क्या, किसके इक्वल होगा, 9C1 के इक्वल, 1 छोटा है, तो 9 से एक बार चले तो 9 × 9 से एक बार चलेंगे तो 9 ही होगा और अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब जैसे ये देखो, 9C7 था, ठीक है, यहाँ देख लो, 9C7 था, तो उधर से क्या होगा, 9C2, तो मतलब 9 से कितनी बार चलना, 2 बार, तो 9 × 8 और अपॉन नीचे वाले का फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, तो 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 36। ठीक है, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर है 12, क्या पूछ रहा है।
ए मैन हैज 10 फ्रेंड, 10 दोस्त है। इन हाउ मेनी वेज ही कैन इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम टू अ पार्टी। ठीक है, या तो इसको देखो दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, या तो थोड़ा सोच के या फिर जैसे बनाते हैं वैसे। ठीक है, अगर देखो तुमको किसी मिनिमम क्या है कि इधर गया, इन हाउ मेनी वेज ही कैन इन्वाइट वन और मोर ऑफ देम, मतलब एक बुलाएगा या एक से ज़्यादा बुलाएगा। ठीक है, तो अब बताओ कि अगर इसको बुलाना है सबको तो कितने केस होंगे, और या सबको नहीं बुलाना है तो मतलब टोटल केस सबसे पहले ले लें और उसमें से बुलाना है या नहीं बुलाना है उस वाले केस को माइनस कर देंगे जो पूछ रहा होगा, तो टोटल केस कितने बनेंगे चाहे बुलाए चाहे नहीं बुलाए। ठीक है, या तो वो बुलाए या तो ना बुलाए, टोटल केस कितने बनेंगे। देखो इसके पास 10 दोस्त हैं, या तो इसको बुलाएगा या फिर नहीं बुलाएगा। ठीक है, तो ये 10ों के साथ क्या कर सकता है, या तो बुलाएगा या तो नहीं, या तो बुलाएगा या तो नहीं, या तो बुलाएगा नहीं, तो इस तरह के कितने केस हो जाएंगे, 2 to the power 10, क्योंकि ये 10ों के साथ करेगा वो चीज़, या तो बुलाएगा या तो नहीं बुलाएगा, मतलब कितने पॉसिबिलिटीज़ बन सकते हैं। जैसे मैंने तुम्हें OMR वाला बताया था ना कि कितने तरीके से भरा जा सकता है, याद है? अगर 10 क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाले तो कितने तरीके से इसको भरा जा सकता है, 2 to the power 10, मतलब सिंपल सी बात था, ऑप्शन जितने होंगे और उसके पावर जो नंबर रहेगा, ऑप्शन के पावर नंबर, तो ट्रू फॉल्स के लिए 2 ऑप्शन है उसके ऊपर नंबर 10 हो गया। तो इसी तरह इसके पास 10 दोस्त हैं और उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो बुलाएगा या फिर नहीं बुलाएगा, तो 2 10, तो इस वाले केस में क्या हो गया, सारा कुछ इंक्लूड हो गया, मतलब बुला भी रहा है नहीं भी बुला रहा है, पर इसको क्या चाहिए, बुलाना है, एक को तो बुलाना है, तो क्या होगा, इसमें से 1 माइनस कर दो। ये 1 कौन सा माइनस हो रहा पता है, इस वाले केस 2 to the power 10 का मतलब क्या हुआ, सारे केस, ये समझ में आ रहा है, 2 to the power 10 का मतलब हो गया सारे केस। ठीक है, और इन सारे केस में एक केस ऐसा भी होगा जिसमें किसी को भी नहीं बुलाया, या तो बुलाएगा या तो नहीं बुलाएगा, और एक ऐसा केस ऐसा भी होगा जिसमें दोनों को नहीं बुलाया या दोनों को बुला लिया। ठीक है, तो एक केस ऐसा भी होगा जिसमें किसी को भी नहीं बुलाया होगा, एक ही केस होगा ऐसा जिसमें किसी को नहीं बुलाया होगा, तो वो वाला केस को हम लोग माइनस कर दिए, तो क्या हो गया, बाकी सारे केस में किसी न किसी को ये बुलाया ही होगा। ठीक है, तो 2 to the power 10 - 1। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 11 भी सेम है, देयर आर 10 लैम्प्स इन अ हॉल, इसमें भी कितना लैम्प है, 10 लैम्प है, ईच वन ऑफ देम कैन बी स्विच्ड ऑन इंडिपेंडेंटली, मतलब सबका अलग अलग स्विच है, द नंबर ऑफ वेज इन विच हॉल कैन बी इल्यूमिनेटेड, मतलब रूम चमकना चाहिए, रूम चमकने के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम एक लाइट तो जला हुआ होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो हर एक लाइट के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, तो तुमको बताएं ऑप्शन के पावर नंबर, तो हर लाइट के पास कितने ऑप्शन है, 2 ऑप्शन, या तो ऑन होगा या ऑफ, तो वो 2 हो गया इसमें, और टोटल लैम्प कितना है, नंबर 10, तो टोटल केस कितने हो जाएंगे, 2 to the power 10। अच्छा, ये केस कैसा होगा जिसमें सब कुछ होगा, मतलब लाइट ऑन भी हुआ होगा ऑफ भी हुआ होगा, ठीक है, या तो दोनों ऑन रहा होगा या तो दोनों ऑफ रहा होगा, ठीक है, इस तरह के इसमें सारे केस हो गए होंगे, पर तुमको रूम को चकमक रखना है, तो चमकाने के लिए मिनिमम एक लाइट तो जला के रखना होगा ना। ठीक है, ये वाला केस है टोटल केस, अगर टोटल में से, इस टोटल वाले केस में से वो हर केस होंगे जिसमें लाइट जल भी रहा होगा बंद भी हुआ होगा, तो वो अगर एक केस माइनस कर दें तभी तो रूम में लाइट जलेगा, क्योंकि सारे केस कैसे हैं और कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगा, कि अगर जैसे मान लो अगर दो चीज़, अगर क्या बताएं इसमें तुमको, ये स्विच है, ये जल रहा है, ये बंद है, एक केस हो गया, ठीक है, या फिर दोनों जल रहा होगा, ठीक है, मतलब इस तरह से, या 10ों जल रहा होगा, या फिर क्या हो रहा होगा, सारे बंद रहे होंगे,
ठीक है, मतलब 10 जितने भी हैं सारे, 10 लाइट ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक केस में क्या होगा, पहला जला बाकी सब बंद, दूसरे में 2 जला बाकी सब बंद, तीसरे में 3 जला बाकी सब बंद, चौथे में 4 जला बाकी सब बंद। इसी तरह एक बार क्या होगा, सारे बंद हो गए होंगे, तो जब सारे बंद हो गए होंगे तभी तो रूम में ऑफ अंधेरा रहा होगा। तो बोला है कि ऐसा केस बताओ जिसमें रूम चकमका रहा होगा, तो जगमगा रहा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला केस को माइनस कर दो, तो इसमें भी -1 कर देंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। तो 10^2 होता है 1024, तो इसमें एक माइनस कर दो, 10^23। ठीक है, वो दोनों क्वेश्चन सेम था, OMR वाला, कॉइन वाला, इस तरह का जितना भी क्वेश्चन ऑप्शन वाला लगभग सेम ही होता है, उसमें इसी तरह का लॉजिक लगता है। ऐसा केस बताओ जिसमें सब चमक रहा होगा, ऐसा केस बताओ जिसमें सारे आंसर गलत रहे होंगे। ठीक है, ऐसा केस बताओ जिसमें मिनिमम एक सही रहा होगा या सारे सही रहे होंगे। ठीक है, इस तरह का केस पूछता रहेगा, ध्यान देना इस चीज़ को। अब देखो क्या क्वेश्चन नंबर 10, टेन क्या है, एक सेकेंड ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किधर गया, टू फिल 12 वैकेंसीज, सीट कितनी खाली है, 12 वैकेंसी है। ठीक है, देर आर 25 कैंडिडेट, टोटल कैंडिडेट है 25, ये भी लिख लीजिए, 25 कैंडिडेट आउट ऑफ विच 5 आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। अच्छा, इसमें से 5 शेड्यूल कास्ट है, 5 क्या है, एक सेकेंड, 5 कौन है, शेड्यूल कास्ट वाले है, ठीक है, SC। ठीक है, तो बाकी बचे नॉर्मल इंसान। ठीक है, इसके बाद क्या है, अरे यार एक जगह रहो, हाँ, इफ 3 ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। अच्छा, 3 पहले से रिजर्व है, ठीक है, मतलब 5 में से 3 तो पहले ही फिक्स कर दो कि 5 से 3 तो चला गया। ठीक है, If 3 of the vacancies are reserved for scheduled caste candidate, while the rest are open to all, मतलब 5 में से 3 तो, इसका मतलब समझ में आ रहा है, देखो टोटल 5 किसके लिए है, टोटल सबसे पहला चीज समझो, 25 टोटल स्टूडेंट, ठीक है, जिसमें से 5 है SC और तो 20 बचे नॉर्मल। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है कि 3 रिजर्व्ड है शेड्यूल वाले के लिए, SC वालों के लिए 5 रिजर्व है, सॉरी कितने, 3 रिजर्व है, तो कितने में से रिजर्व है, 5 में से, अरे 5 में से ही रिजर्व है ना, 25 में या 20 में से तो नहीं होगा, क्योंकि 5 स्टूडेंट है तो 5 में से ही 3 को किसी 3 को सीट मिल रहा होगा, क्योंकि 3 सीट रिजर्व्ड है। ठीक है, किसके लिए, SC के लिए, तो टोटल स्टूडेंट कितना है, 5, तो 5 में से किसी 3 को जगह मिलेगा, तो यानी 5 से 3, ठीक है, 5 में से किसी 3 को जगह मिल रहा होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ओपन टू ऑल, बाकी सिलेक्शन का चीज़ बता दो कितना होगा, तो बताओ कितना होगा, 3 को तो हम सिलेक्ट करवा दिए, कितना में से, 12 वैकेंसी था, तो 12 वैकेंसी का मतलब 12 सीट होना चाहिए, मतलब 12 को का सिलेक्शन होगा, कितने में से, 25 में से 12 का सिलेक्शन होना था, तो जिसमें से 3 को तो हम पहले सिलेक्ट करवा दिए। ठीक है, 3 को हम पहले सिलेक्ट करवा दिए, तो अब मेरे पास टोटल नंबर कितना बचा, 22, टोटल कितना था, 25, 25 में से हम लोग 3 रिजर्व था, तो 3 को तो हम पहले सिलेक्ट करवा दिए, भले वो 5 से 3 था, क्योंकि 5 उस पाँचों को ही वो सीट दे सकते थे ना, उस पांचों में से किसी 3 को वो सीट दे सकते थे। ठीक है, तो उनमें से किसी 3 को मिला होगा, तो कोई 2 तो बच गया होगा, वो 2 किस में आ गया, ओपन टू ऑल में। ठीक है, तो 20 प्लस कितना हो गया, 2, तो अब टोटल सीट कितना हो गया इधर, मतलब टोटल स्टूडेंट कितना हो गया, 22, और 22 में, और ठीक है, और 12 में से 3 हम सीट किसी को दे चुके हैं, तो यहाँ पर कितना बचा, 9, मतलब 22 में से अब 9 को वो सीट मिलेगा, तो ये दोनों साथ में होना है, 5C3 × 12 22C9। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखो फिर से समझा रहे हैं,
सबसे पहला काम क्या किया हम लोग, 25 टोटल स्टूडेंट था ठीक है, उसमें से 5 था एसटी एससी एसटी जो भी था, और 20 मेरा इधर नॉर्मल बच रहा था ठीक है। अब ये बोला कि 3 रिजर्व्ड है, मतलब 3 सीट पहले से ही दे दिया गया है एससी वाले को, तो 3 दे दिया गया, तो इन्हीं 5ों में से किसी 3 को देंगे ना, कि 20 में से देंगे या 25 में से 3 को देंगे, 25 में से 3 को नहीं, जो रिजर्व्ड है उन्हीं में से उनको सीट मिलेगा, चाहे वो कितने भी बच्चे हैं ठीक है। तो इनमें से इनको क्या मिल गया, 5 से 3 मिल गया, तो अगर 5 से 3 मिल गया तो एक टाइम में कोई 3 ही सिलेक्ट हुआ होगा, तो बाकी 2 बच गए होंगे, तो जो 2 बच गए होंगे वो इसमें आ गए होंगे, तो अब टोटल नंबर कितना हो गया, 22, और बाकी के लिए ओपन टू ऑल है, तो 22 सी बाकी वो सीट के लिए झगड़ा करो, 12 20 2 सी 9 इसमें बाकी झगड़ा करेगा, इधर 3 को आपस में मिल गया, तो टोटल कितना हो गया, इनको मल्टीप्लाई कर देना आएगा यही।